हेलो फ्रेंड्स, राधा स्वादा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ पौष्टिकता से भरपूर और बहुत ही टेस्टी दलिया की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत इजी है। और आज के जो दलिया है जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में और बिना दाल के इस दलिया को बनाएंगे, और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप कटोरी भर भर के खाएंगे। और दलिया बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो बड़े हुए या बच्चे सभी को दलिया खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस दलिया को कैसे बनाना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस दलिया को कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये हाफ कप गेहूं का दलिया लिया है, जिसे ब्रोकन बीट भी कहा जाता है, और ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का दलिया, इस तरह का पैकेट में आता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप दलिया लिया है, इसे मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, आप चाहे तो इसे धो भी सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख रही हूँ, और एक छोटी चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। घी में हम दलिया को हल्का सा रोस्ट करेंगे। इस तरह से अगर आप दलिया बनाएंगे तो दलिया का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दलिया वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप दलिया को रेगुलर डाइट में शामिल करें तो ये आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। साथ साथ इसमें बहुत सारे फाइबर्स, प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो दलिया को आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दलिया को मैंने लगभग 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट किया, और बहुत ही हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने गैस पे एक प्रेशर कुकर रखा है, और कुकर में हम यहाँ पे 2 से 3 छोटी चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जीरा यहाँ पे भून चुका है, हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया, और 1 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। और अब हम प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा इसे हम सुनहरा कर लेंगे। मैंने चैनल पे बिना ऑयल बिना घी के भी दलिया की रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो प्याज भूनने के बाद मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अदरक डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ, और इसके साथ मैं 1 बड़ा टमाटर को चॉप करके डाल दूंगी। इसे हम भूनेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें हल्दी और नमक भी डाल देंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेते हैं टमाटर, ताकि अच्छे से गल जाए। टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। 1 बड़े साइज़ के आलू को मैंने छील के धो के पीसेस में कट करके डाले हैं। इसके साथ मैंने 1/2 कप गाजर डाला है चॉप किया हुआ, और 1/4 कप मैं बीन्स डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। सब्जियों में जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सब्जियाँ आप इसमें जितना डालेंगे दलिया आपका उतना ही ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक बनेगा। तो यहाँ पर हमें सब्जियों को भी लगभग 1 से 2 मिनट भूनना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं जो हमने इसमें मसाले डाले हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच के करीब डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अब सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैंने लगभग 1 से 2 मिनट भूना है। अब हम इसमें दलिया को डाल देंगे। दलिया को बस हमें सब्जियों और मसालों के साथ में मिक्स करना है, क्योंकि हमने दलिया को पहले ही भून चुका है। अगर आप दलिया को ऐसे ही अगर अभी डाल रहे हैं, आपने इसे पहले नहीं भूना है, तो आप सब्जियों के साथ में 1 से 2 मिनट दलिया को भी भून लें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दलिया को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो दलिया हमने जितना डाला है उससे हम लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि दलिया बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 कप के करीब दलिया लिया था, तो मैंने यहाँ पे 3.5 कप पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप बिल्कुल भी कम नहीं डालें, क्योंकि अगर कम डालेंगे तो दलिया नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा। कुकर का हम यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इस यहाँ पे इसे 3 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, और यहाँ पे कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है। कवर खोल लेते हैं, और यहाँ पे देखिए दलिया बहुत ही अच्छे से पक चुका है। मैं इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर दलिया आपको थोड़ा पतला खाना पसंद है तो इसके ऊपर से आप गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक नमकीन दलिया, या फिर दलिया खिचड़ी। इसे आप दलिया की खिचड़ी भी कह सकते हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये दलिया की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।